नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 496वां एपिसोड। आज 31 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, काफी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स कुछ नए खिलाड़ियों की, कुछ नई टीमों में एंट्री को लेकर आई है। स्पेशल पिक की प्रक्रिया को लेकर आज क्या क्या बीसीसीआई में घटित हुआ है और होगा उसको लेकर बताएंगे, सारी रिपोर्ट बताएंगे। भाई एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दसों की दसों को खबरों को आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मशक्कत की है, तो लाइक शेयर बनता है, लाइक शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से तो ये रिपोर्ट आ रही है भाई, सीवीसी और अहमदाबाद की नई टीम को लेकर। अहमदाबाद की नई टीम को लेकर लगातार विवाद था, अब वो विवाद इंडिपेंडेंट पैनल के सामने जो गया हुआ था वो भी सुलझ चुका है। रिपोर्ट्स ये हैं कि इंडिपेंडेंट पैनल जो कि बीसीसीआई ने बनाया था इस पूरे मसले को देखने के लिए कि क्या भाई ये जो नए टीम के मालिक है ये लीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज है या नहीं, तो उसको लेकर इंडिपेंडेंट पैनल ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है और ऑल क्लियर कहा है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि अहमदाबाद की टीम आएगी, सीवीसी ही लाएंगे, उस पर अंतिम 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 मोहर यहां से लग गई है। तो हमारी खबर के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है आईपीएल 2022 की नीलामी को लेकर आ रही है, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जी हाँ, जनवरी के दूसरे हफ्ते में, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 12, 13 या 15 जनवरी तक हमें नीलामी में शामिल होने वाले सारे खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट मिल जाएगी। मतलब कि स्पेशल पिक की प्रक्रिया से पहले जरूर हो जाएगी। और यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि बीसीसीआई अब जनवरी में काफी ज्यादा एग्रेसिव जाएगा नीलामी की प्रक्रिया को लेकर। तो दूसरी बड़ी खबर थी ऑक्शन लिस्ट को लेकर, और जो कि पूरी तरीके से अब कांच की तरह साफ हो गई है कि जनवरी में हमें लिस्ट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की बात कर लेंगे, उससे पहले बता दूं एमसीपी शॉर्ट हमारा नया चैनल शुरू हो चुका है। 1 जनवरी को पहली वीडियो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी बेल आइकन दबा देना। एमसीपी शॉर्ट नया चैनल है, तगड़ा चैनल। इसलिए एक चीज और बता दूं, और पते की बात और सीक्रेट बात बता दूं कि आईपीएल की ऐसी ऐसी, क्रिकेट की ऐसी ऐसी कहानियों को हम शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में वहां पर लेके आएंगे जो अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का हवाला देता हूं आपको, आप तो जाइए वहां पर और सब्सक्राइब कीजिए, मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं भाई, एसआरएच की टीम टारगेट करने वाली है और कंफर्म हो गया है साउथ इंडिया के एक न्यूज़पेपर साक्षी पोस्ट के हवाले से कि एसआरएच की टीम शुभमन गिल और देवदत्त पड्डीकल इन दो खिलाड़ियों को टारगेट करेगी, मतलब नीलामी में बोली लगाएगी। हालांकि दोस्तों, एक चीज तो कंफर्म है कि कई सारे ऐसे 40-50 खिलाड़ी हैं जिन पर आईपीएल की लगभग दसों की दसों टीमें बोली लगाने वाली है नीलामी में, और इन दोनों का नाम भी उसमें एसआरएच भी लगा रही है, लेकिन क्या वो एसआरएच में बिक जाएंगे ये कंफर्म नहीं है। तो ये न्यूज तो आ गई है कि ये लोग टारगेट करेंगे, बट भाई 10 टीमें बैठी हुई है और नीलामी में फिर किसी का कोई पता नहीं होता कहां पर कौन सा खिलाड़ी जा सकता है, बोली तो सभी लोग लगाएंगे इन पर। बाकी आप बताइए दोनों किस टीम में जाएंगे, कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट कर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। जय शाह जो कि बीसीसीआई की सेक्रेटरी है, बड़ा बयान दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा है विल प्लानिंग आईपीएल लाइक वुमेन्स लीग इन 2022, मतलब 2022 में ही आईपीएल लाइक वुमेन्स लीग की शुरुआत, मतलब वुमेन्स आईपीएल सीधा सीधा जय शाह ने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक चीज एक हिंट दे दिया कि वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए भी एक आईपीएल लाइक लीग शुरू की जाएगी। हालांकि पहले से ही 3-4 टीमों को बनाकर एक छोटी सी वुमेन्स आईपीएल काइंड ऑफ लीग कराई जाती है, हालांकि वो एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं है और बीसीसीआई आईपीएल के पैसों से ही वो वुमेन्स आईपीएल कराता है। वुमेन्स खिलाड़ी लगातार मांग कर रही थी कि भाई जो लीग हो उसमें वुमेन्स खिलाड़ियों पर बोली भी लगे, मतलब जैसी यार ये जो मेन्स आईपीएल होता ना वैसे ही सब कुछ हो, बट बीसीसीआई ने अभी तक उसके साफ संकेत दिए नहीं है और जय शाह का ये बयान भी कुछ साफ तो नहीं बता रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो अंबाती रायडू ने कंफर्म कर दिया है कई सारे कयासों को, कल भी हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें बताया था कि अंबाती रायडू बार बार बोल रहा है मुझे चेन्नई जाना है, मुझे चेन्नई में ही खेलना है। अब उन्होंने कंफर्म किया है नो कम्युनिकेशन विद सीएसके येट, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका अभी तो कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन चेन्नई की टीम के मालिकों, मैनेजमेंट, कप्तान, कोचेस, मेंटोर किसी के साथ भी नहीं हुआ है,
बस वो अपना राय दे रहे हैं, वो अपना पॉइंट बता रहे हैं कि भाई मेरे को चेन्नई में जाकर खेलना है। हालांकि भाई देखो सीधी बात है कि खिलाड़ी कभी भी टीमों से कांटेक्ट नहीं करता, टीमें खुद ही कांटेक्ट करती हैं प्लेयर्स से ऑक्शन से पहले, जो अभी तक हमने देखा है आईपीएल में। और रायडू से शायद वो कांटेक्ट अभी तक हुआ नहीं है, और रायडू इसलिए झटपट आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि शायद वो नीलामी में बिकेंगे नहीं, और बिके भी क्यों, क्योंकि उस तरह का फॉर्म पिछले दो सालों में, पिछले एक सालों में दिखा नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की, तो बीसीसीआई और स्पेशल पिक की प्रक्रिया के हवाले से कुछ रिपोर्ट निकल कर आई है। कहा जा रहा था कि आज ये प्रोसेस होगी, और बीसीसीआई ने पहले भी कहा था कि 31 तारीख को ये प्रोसेस होने वाली है। इस प्रोसेस में अहमदाबाद और लखनऊ की दो नई टीमों को अपने तीन तीन खिलाड़ियों को लेना था। हालांकि रिपोर्ट्स ये है कि आज नहीं कल या अगले हफ्ते में इस प्रोसेस को किया जाएगा। तो रिपोर्ट्स बीसीसीआई के हवाले से अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, यही है कि शायद आज ये प्रोसेस ना हो, इसे कैंसिल करा जाए आज के लिए, और कल या फिर अगला एक जो हफ्ता जनवरी का आने वाला है उसमें भाई इस प्रोसेस को जो है वो फिनिश तक पहुंचाया जाए ना भाई। अब यहाँ पर जो कंडीशन है ना वो यही है कि अभी अहमदाबाद का मसला कभी चल रहा है, कभी रुक गया है, कभी कंप्लीट हो गया। लखनऊ वाले तो तैयार बैठे हुए हैं, उनको तो तीन प्लेयर पता है। अहमदाबाद की टीम को लेकर जो मसला फंसा हुआ है वो भी दिक्कत है, और दूसरा नीलामी, क्योंकि 12 और 13 फरवरी को आगे बढ़ गई है बीसीसीआई, और टीमों के पास भी अब एक समय है, एक हफ्ते की एक्स्ट्रा विंडो मिल गई है, तो इसीलिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि आज होने वाली थी, जैसा कि मैंने कल बताया था, स्टार स्पोर्ट्स पर आने वाली थी, और जैसा कि बताया था शाम तक आने वाली थी, तो उस बात को भी देख ही लेते हैं भाई। बट रिपोर्ट्स जहां तक बोल रही है कि कल या अगले हफ्ते में होगी। जाहिर है 15 जनवरी तक बीसीसीआई को ऑक्शन प्लेयर्स की लिस्ट निकालनी है, तो ये जो स्पेशल पिक की प्रक्रिया, ये ऑक्शन प्लेयर्स की लिस्ट वाली प्रक्रिया से पहले ही होती है, तो हम आने वाला एक हफ्ता और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की सातवीं बड़ी खबर की, तो वार्नर ने क्यों छोड़ी एसआरएच, इसको लेकर अब पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इनकी लड़ाई हुई थी टॉम मूडी के साथ। जी हाँ, टॉम मूडी वार्नर एक पेज पर नहीं थे, ये रिपोर्ट अब कंफर्म हो गई है, क्योंकि टॉम मूडी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट का कुछ रिप्लाई किया वार्नर ने, और एक तरह से मजाक उड़ाया टॉम मूडी का। दरअसल दोस्तों, टॉम मूडी से एक फैन ने पूछा था कि नीलामी में आपकी रणनीति कैसी है, तो टॉम मूडी ने तो उसका जवाब नहीं दिया, टॉम मूडी ने कुछ और कहा, बट वार्नर ने उसका जरूर मजाक उड़ाया ट्विटर पर जाकर। आपको बता दूं, पिछले साल बड़ा मसला, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, वार्नर को खिलाया नहीं गया था, फिर वार्नर खुद छोड़कर, एसआरएच छोड़कर नीलामी का हिस्सा बन रहे हैं, और हम मजाक उड़ा रहे हैं एसआरएच का, क्योंकि एसआरएच जरूर यहां पर पछता रही होगी कि उन्होंने वार्नर जैसा खिलाड़ी छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी खबर की, तो नए टाइटल स्पॉन्सर की खोज रहेगी। चेन्नई को तो मिल गया, राजस्थान और एसआरएच भी 2022 के आईपीएल में नए टाइटल स्पॉन्सर के साथ उतरेगी, मतलब जर्सी के आगे जो टाइटल स्पॉन्सर होता है वो इन तीनों टीमों का नया रहने वाला है। कौन रहेगा कौन नहीं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नया चैनल भाई यहाँ फिर बता दो, एमसीपी शॉर्ट नया चैनल आ गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वहां पर भी बहुत सारी आईपीएल का खजाना वहां पर मौजूद है, क्रिकेट का खजाना मौजूद है। दसवीं बड़ी खबर की बात करते हैं भाई, इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज, इंडिया पहला टेस्ट जीत गया है, और भारत की इस खतरनाक विनिंग के लिए, और अब तो विजय रथ की शुरुआत हो जाएगी, एक लाइक तो बनता है भाई, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिनभर की 10 बड़ी खबरें ऐसी ही रोज लाते रहते हैं। ये थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट कीजिए इस वीडियो को, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए।